नरहन खास में शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद सीओ ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को किया संतुष्ट। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरहन खास गांव में गुरुवार को कैंसर पीड़ित महिला गिलिया पत्नी लोकई नट उम्र लगभग 50 साल की मौत हो गई। परिजनों द्वारा अजमतगढ़ ताल सलोना से निकले नाला बाहा में शव को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने के लिए जब पुलिस पहुंची तो गांव की बीना पत्नी सतीराम एवं बिकाऊ पुत्र पुनवासी द्वारा यह कहते हुए गड्ढा खोदने से मना कर दिया गया कि यह सरकारी जमीन नहीं है, यह जमीन हमारी है जिससे इसमें शव को दफन नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। उप निरीक्षक अमरनाथ यादव व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शव दफनाने के लिए राजी कराया। इसके पश्चात परिजनों ने कहा कि अब शव कल दफन किया जाएगा क्योंकि उनके घर का कोई सदस्य अभी दिल्ली से आ रहा है, उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मौके पर पहुंचे सीओ सगड़ी अजय कुमार यादव ने कहा कि अभी दफन कर दो क्योंकि पुलिस को यह आशंका थी कि कहीं रात में ये लोग बदल न जाएं और कहीं रात में ये लोग अपनी बातों से मुकर न जाएं और सुबह फिर नया विवाद खड़ा कर दें। दुर्विजय राम मेरी पत्नी इस गांव की प्रधान है। प्रधान जी, किस तरह का मामला फंस गया? ये एक हमारे गांव में नट परिवार के लोग हैं। एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी, उनकी मृत हो गई है। मृत के बाद हमेशा से ये लोग बाहा में ही उस लाश को लोग गाड़ते चले आए, इनके पूर्वज, और उसी में आज भी गाड़ने की बात चली आ रही थी। लेकिन दोनों तरफ से चकदार लोग उसको ख़त्म कर दिए थे। मौके पर बाहर नहीं था तो लेखपाल और उनकी एक टीम आकर के पैमाइश की। इसके बाद भी लोग नहीं माने तो जाकर तब मौके पर पुलिस को आना पड़ा। तो पुलिस और गांव के और लोगों के बीच में दोनों लोगों को समझा बुझा करके एक बीच का रास्ता निकाल दिया गया और वहां पर लाश गाड़ दी गई है। गाड़ने का निर्णय ले लिया गया है। जी, लाश गाड़ दी गई या गाड़ी जाएगी? नहीं, कल सुबह गाड़ी जाएगी। दोनों पक्ष उस पर मान गया है। समझौता? हाँ जी, दोनों पक्ष का समझौता हो गया है। अभी ये लाश को गड़वाने के लिए जो बीच का रास्ता बता रहे हैं निकाला गया है। जी जी। तो ये तो इस बार के लिए हुआ है। आगे अगर कोई और किसी की मृत्यु होती है तो फिर उसके लिए क्या? देखिए, मौके पर पूरा प्रशासन रहा है। जी। सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि SDM साहब इस पर आदेश करेंगे और विधवत सभी लोग यहाँ आएंगे और उसकी पूरी बाहा की निशानदेही कराई जाएगी और उसको पूरा बाहा खाली करा दिया जाएगा, उसके बीच में लाश को गाड़ा जाएगा। लालती का मामला ये रल के लाश हमारे दौरानी गुजर गए। लाश के मतलब गाड़ी यहाँ गाड़त रही जा ए बेला में गाड़ी ना देते हम लोग, रोक दिए ना लोग। बग बड़ी आदमी कह सुनत में थोड़ी एमे थोड़ी उमे दे के फंसावल गए। कहीं हमके स्थायी जगह चाहिए कि हम अपन मट्टी मिल जाए। हमारे लोग घर तो गरीब आदमी, हमारे मट्टी गाड़ी और खेत से हमसे मतलब ना। साहब लोग कहना के दो चार दिन में नपवा हम क्लियर कर देंगे।